Hello friends, I am here with the shoemaker and the demon, English teacher for class 6. So it's video part 2 and we were here. Bhikkhu was now in a fix. That means Bhikkhu problem mein aa gaya. He was afraid to go near the guava tree aur use guava tree ke near jaane mein dar lag raha tha. And was equally afraid of losing his head और उतना ही वो डरा हुआ था कि उसका गला काट दिया जाएगा किंग के द्वारा. He did not sleep a wink और एक पलक भी वो रात को सो नहीं सका last night. At last he made up his mind और बाद में उसने मन बनाया. In the dead of the night अंधेरी रात को when everyone was fast asleep he decided to flee from the town ki wo jab sabhi so rahe honge tab wo us shahar se bhag jayega. Bhikkhu hurried through the streets and walked on and on until he came to the river aur bhikkhu jaldbazi mein jane laga tab tak chala jab tak ki ek nadi nahi aa gayi. There he met an old boatman who was mending his oar. वहाँ किससे मिला? वो एक boatman, एक नाव खेवने वाले से मिला जो कि वो अपना oar बना रहा था. oar इसको कहते हैं. Boatman, you have got to help me. तुमको मेरी help करनी पड़ेगी. He said. You have got to row me across the river. तुमको मुझे उस पार ले जाना पड़ेगा. The boatman looked up from his oar and replied, "It's too late in the night, and I can't see my way across the river now." रात अभी रात हो चुकी है और रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है. रास्ता हम लोग भूल जाएंगे. But boatman, you will have to help me. लेकिन boatman, तुमको मेरी सहायता करनी होगी. Otherwise, I will lose my head. नहीं तो मेरा गला काट दिया जाएगा. Bhikkhu narrated to the curious boatman all about the Maharaja's command and the demon in the guava tree. तो Bhikkhu ने सभी जो भी घटना थी वो curious boatman, जिज्ञासु जो नाविक नाव खेवने वाला था उसको वो बताया कि क्या आदेश है राजा का और क्या माजरा है उस राक्षस का जो कि guava tree में है. The old boatman was also a very wise man. He understood Bhikkhu's problem. और old जो boatman था वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी था और उसने Bhikkhu के problem को समझा. He shook his head and said, "You can't run away very far." कि तुम बहुत दूर नहीं जा सकते हो. The Maharaja can always track you down. महाराजा तुमको हमेशा पकड़ सकता है. And you are brought back. और तुमको वापस बुला लिया जाएगा. द पनिशमेंट मे बी इवन मोर सीवियर और भी ज़्यादा जो कठिन और कठोर परिश जो सज़ा है तुमको मिलेगा. एंड बाई देन द डीमन मे ऑल्सो हैव ग्रोन बिगर और तब तक जो डीमन है वो और भी बड़ा हो चुका होगा. वट सेल आई डू वेल्ड Bhikkhu और Bhikkhu ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए. देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू. गो फर्स्ट टू द गुआवा ट्री एंड सी हाउ बिग द डीमन इज. देन यू योर सेल्फ विल नो वॉट टू डू. एडवाइज द बोटमैन. तो बोटमैन ने कहा कि तुम पहले गुआवा ट्री के नज़दीक जाओ और देखो कि आखिर डीमन कितना बड़ा है. Bhikkhu returned home and the very next morning he went to the guava tree. और वो जब guava tree के पास गया he started at the tree very timidly और बहुत डर के वो वहाँ गया. नज़दीक जा रहा था. And just as he was wondering और जैसे ही वो सोच रहा था should take to his heels before the demon could see him. और वो अपने पंजों पे चल रहा था. बिफोर द डीमन कुड सी हिम ए फ्रेल वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम द
ही ए फ्रेल वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम द ट्री, ब्रदर ब्रदर यू हैव गॉट टू हेल्प मी। और तभी एक आवाज़ आई कि ब्रदर ब्रदर मेरी मदद करो। भीखू स्टार्टेड एट द ट्री इन ग्रेट अमेजमेंट, और भीखू जो था वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के देखने लगा। देयर वॉज ए रशल इन द ट्री एंड सडनली ए लिटिल मैन विद ए लॉन्ग पॉइंटेड ग्रीन हैट हॉप्ड आउट ऑफ द ब्रांचेस। और एक छोटा सा आदमी जो कैप लगाए हुए था ग्रीन कलर का, वो बाहर आया। ही वॉज बेयर फुट, और उसके पाँव में न चप्पल थे न जूते थे, वो नंगे पाँव था। ओह यू आर द डीमन, स्क्रीम्ड भीखू, क्या तुम ही डीमन हो? डीमन, हु इज डीमन? आई एम नो डीमन, यील्ड द लिटिल मैन। कि लिटिल मैन ने बताया कि मैं डीमन नहीं हूँ। देन हु आर यू, क्वेश्चन भीखू स्टिल फ्राइटेंड। तो भीखू ने कहा कि लेकिन फिर तुम कौन हो? वो डरा हुआ था, भीखू डरा हुआ था। और तब उस लिटिल मैन ने कहा, आई एम ए फार्मर लिविंग इन नियर बाई विलेज, मैं एक किसान हूँ जो कि नज़दीक में ही रहता हूँ। आई हैव बीन हाइडिंग इन द ट्री, मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहता। आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से डरा हूँ। वाई भीखू आस्क, तो येस्टरडे वाइल आई वॉज गोइंग बैक होम थ्रू दिस पाथ, जब मैं इस रास्ते से जा रहा था, तो आई मेट ए मैन सेलिंग फनी हैट्स, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि फनी हैट्स बेच रहा था। सी द वन आई एम वियरिंग, मैं जो ये पहना हुआ हूँ वो देखो। आई लाइक द हैट बट आई हैड नो मनी टू बाई इट, मेरे पास मनी नहीं था और लेकिन मैं हैट को ख़रीदना चाहता था। सो आई गेव द मैन माई शूज़ इन एक्सचेंज फॉर द हैट, तो मैंने उसको अपना शूज़ दे दिया और हैट ले लिया। नाउ इफ़ आई गो होम बेयर फुट, अगर मैं नंगे पांव घर जाऊंगा, माई वाइफ विल साउट एट मी, मेरी वाइफ चिल्लाएगी। भीखू लाफ्ड आउट लाउड, और भीखू हंसा खूब जोर से। ही पुल्ड आउट ए पीस ऑफ लेदर ही ऑलवेज केप्ट इन हिज बिग पॉकेट, और वो हमेशा अपने बिग पॉकेट में लेदर चमड़ा रखता था थोड़ा सा। एंड ही took out a needle and thread from his smaller pocket, और वो smaller pocket से एक thread और एक needle निकाला। In a matter of a few minutes, और कुछ ही minutes में, he made a pair of fine shoes and gave it to the little man, और फिर वो तुरंत में एक अच्छा सा जूता बना दिया उसके लिए, little man के लिए। The little man was overjoyed, और little man बहुत खुश हुआ, and thanked Bhikkhu over again, and then he hurried home, और वो वहाँ से घर चला गया। When Bhikkhu returned to the palace, the Maharaja and citizens were all anxiously waiting for his triumphal return, और सभी citizens और महाराजा थे उसका वेट कर रहे थे। Bhikkhu finally announced that he had got rid of the monster, और Bhikkhu ने ये सबको बताया कि अब उसने उस monster को भगा दिया है। The महाराजा was thrilled, और महाराजा बहुत रोमांचित हो गए थे। He rose from his throne and led Bhikkhu to a seat near him, और उन्होंने अपने सिंहासन के नज़दीक Bhikkhu को एक सीट दिया। And the people waved their handkerchief, और people ने उसका अभिवादन किया handkerchief से, giving him a standing ovation, stand होकर के उसका सम्मान किया। देन द महाराजा प्राउडली अनाउंस दैट एज ए टोकन ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ भीखूज एक्ट ऑफ ब्रेवरी ही वॉज अपॉइंटिंग हिम द गवर्नर ऑफ वन ऑफ हिज प्रोविंसेस, और उस महाराजा ने अप्रिशिएशन में उसको एक अपने प्रोविंस का गवर्नर, एक क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। और देन भीखू बिकेम वेरी रिच एंड फेमस मैन, और तब से वो भीखू जो है बहुत रिच और फेमस हो गया। बट ही स्टिल कंटिन्यूड, लेकिन वो फिर भी ही कंटिन्यूड मेकिंग शूज़ एज ए हॉबी, एक शौक के रूप में वो शूज़ बनाता रहा। तो कैसी लगी ये स्टोरी?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।